नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान भारतीय इतिहास से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्य। क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण 1924 से लेकर 1934 तक। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई। निराश युवा एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से भी जानी जाती है। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र हांडी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन कारावास या लंबी सजाएं मिली। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठी चार्ज और उसके बाद उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड यूनिस्ट डिस्ट्रीब्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इस कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह का मुकदमा चला। आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर संयंत्र केस के तहत मुकदमा चला तथा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन पर कर दिया। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई। भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन मास्टर द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA का विशिष्ट स्थान था। उन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क था काटने की गवाही की। इसमें गणेश घोष, लोकीनाथ ब्राउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे। बंगाल के इस दौर के क्रांतिकारी में महिलाएं भी सक्रिय थी। भागीदारी की प्रतिलिप्ता बावेडार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा इस दौरान शहीद हो गई। कल्पना दत्त सूर्य सेन के साथ गिरफ्तार हो गई। कोमिला की छात्राओं शांति घोष और सुनीत चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। अन्य तथ्य 1924 में गोपीनाथ शाह द्वारा चार्ल्स गेटार्ट की हत्या का प्रयास किया गया जिसमें शाह को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। 1940 में ऊधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी। होमरूल आंदोलन, तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होमरूल लीग का गठन किया। इसकी लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत में बरार था। सितंबर 1916 में बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया। इन्होंने जार अरुडेल को लीग का सचिव बनाया तथा अन्य सहयोगी थे BP वांडिया एवं CP रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट ने अपनी लीग का मुख्यालय अडियार में स्थापित किया। एनी बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में था। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इनके
दमन हेतु सक्रिय हुई तथा तिलक पर मुकदमा चलाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमा लड़ा। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल एवं पी वी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी नाइट होड की उपाधि लौटा दी तथा मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल होने लगे। मॉन्टेग्यू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, कांग्रेस लीग समझौता। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसी अधिवेशन में गरमपंथियों की कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया। गांधीवादी आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों को रंगभेद नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। जर्मन मिश्र हरमन कालेनाबक्स की सहायता से टॉलस्टॉय फर्म स्थापित की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी निकाली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरब अहमदाबाद में की गई। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पुनर्स्थापित किया गया। गांधी जी ने 1916 के होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे। अंग्रेज के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह का क्रम चंपारण में 1917 में, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खेड़ा आंदोलन 1918 में। गांधी जी के प्रमुख कथन, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। साधन के उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। डांडी मार्च के दौरान, सत्य परम तत्व है और ईश्वर वह ईश्वर है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाती है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। रोलेट एक्ट, फरवरी 1919 में प्रस्तावित रोलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित की गई सत्याग्रह सभा में ज़्यादातर होम रूल लीग के सदस्य शामिल थे। रोलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसके विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर को डायर ने जनता को अंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजार लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा जनता पर अत्याचार किए गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्र टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि त्याग दी तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपना त्याग पत्र दिया। इस हत्याकांड के विरोध में चारों ओर उठ रहे विरोध के स्वर तथा बढ़ते दबावों को देखते हुए सरकार ने इसकी जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की। समिति में 3 भारतीयों को शामिल किया गया, चिमनलाल सीतलवाड़, सुतलान अहमद तथा जगत नारायण। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच हेतु समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, जयकर आदि थे। खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान धार्मिक खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहते थे, जिसमें मुसलमान नाराज हो गए। इस घटना के पश्चात शीघ्र ही मोहम्मद अली, शौकत अली मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां तथा हर्षद मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। तिलक एवं महात्मा गांधी सहित तमाम कांग्रेस नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया तथा इसे हिंदुओं मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का निर्णय किया गया। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया। इसी दिन तिलक का निधन हो गया। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषद का बहिष्कार करने एवं असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाल लाजपत राय ने की थी। शुरुआत में सी आर दास इस प्रस्ताव के विरोधियों में थे। उनका विरोध विधान परिषदों के बहिष्कार को लेकर था। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में सी आर दास ने की। असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पेश किया गया तथा जन आंदोलन के लिए संविधान इतर तरीके अपनाने की घोषणा कर दी। कांग्रेस की नीतियों के आय में बदलाव की वजह से मोहम्मद अली जीना, जीएस खापड़े, बिपिन चंद्र पाल एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस छोड़ दिया। देश के जाने माने वकीलों सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राज गोपालाचार्य, सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस नेशनल कांग्रेस कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। मई 1921 में बिजवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने तथा खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी के प्रचार ने खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। असहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रम में ताड़ी की दुकान पर धरने को शामिल नहीं किया गया, किंतु यह कार्रवाई काफ़ी लोकप्रिय हुई। रविन्द्र टैगोर ने विदेशी वस्त्रों जलाए जाने का विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता सी आर दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए।
इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बरदोली में बैठक की तथा एक प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय की जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सी राजगोपालाचारी, सी आर दास आदि ने आलोचना की। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में इलाहाबाद में सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। सी आर दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू मंत्री बनाए गए। एन सी केलकर और तथा श्रीनिवासन अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। स्वराजियों ने चुनाव में भाग लिया तथा 1925 में विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित कराने में सफल हुए। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टेचुटरी कमीशन साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई। जॉन साइमन इंग्लैंड के उत्तर उदारवादी पार्टी से संबंधित थे। इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों, संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसके सभी सदस्य श्वेत थे, अतः इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह भी कारण था कि भारतीयों के इसका विरोध किया गया। 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, इस आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तेज बहादुर सुप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्य कांग्रेस तथा हिंदू महासभा के ने भी इस आयोग का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने जीना गुट, जिसका लीग में बहुत बहुमत था, उसने साइमन कमिश्कार का बहिष्कार किया। वही मुस्लिम लीग ने सफी गुट मद्रास की जस्टिन पार्टी और पंजाब में यूनिस पार्टी के साइमन कमीशन का समर्थन किया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा, जिसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। लखनऊ में खली कुजमा और मद्रास में टी प्रकाशन ने विरोध किया था। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।